हाय फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत और उसके फ़ायदे के बारे में, क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। तो मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, एक बार ज़रूर देखें। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के दौर में लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कार का इंश्योरेंस आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें। और कितनी बड़ी आयरनी है कि कार का इंश्योरेंस तो होता है जब रोड पे जाती है, लेकिन जो उसको ड्राइव कर रहा होता है जनरली उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 46% पॉपुलेशन इन टोटल हमारे हिंदुस्तान में इंश्योर्ड है। और अगर हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो सिर्फ 28% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, हम अगर गवर्नमेंट कवरेजेस की बात हटा दें तो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने तरह की होती हैं। जनरली दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसको हम रिटेल या इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं, और दूसरी होती हैं जो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ होती हैं या कुछ टेलर मेड पॉलिसीज़ होती हैं। हम पहले बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की या रिटेल पॉलिसीज़ की। रिटेल पॉलिसी या इंडिविजुअल पॉलिसी वो होती है जो आपने खुद से प्रीमियम पे करके किसी इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट खरीदी हो, या किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदी हो, या ऑनलाइन खरीदी हो। कॉरपोरेट पॉलिसीज़ वो होती हैं दोस्तों ऐसी पॉलिसी कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया हो किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेके, तो वो प्रीमियम जो है वो कॉरपोरेट खुद पे करता है डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, हालांकि वो आप ही की सैलरी से एक छोटा सा पार्ट काट के इकट्ठा करके एक बल्क में इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देता है। अब दोस्तों, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों पॉलिसीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो है आपकी इलनेस कवरेजेस का। तो जो कॉरपोरेट पॉलिसीज हैं उसमें कवरेज का दायरा बड़ा होता है, उसमें किसी तरह का वेटिंग पीरियड नहीं होता है, मोस्ट ऑफ बीमारियां डे वन से कवर हो जाती हैं जिस दिन आपने ज्वाइन किया होता है उस दिन से। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कॉन्जेनाइटल एक्सटर्नल डिजीजेज, बहुत सारी पॉलिसीज में कवर नहीं होती हैं, या जैसे मैटरनिटी कवरेज है वहाँ पर भी कुछ पॉलिसीज में वो लोग वेटिंग पीरियड लगा देते हैं कि नहीं जी, आपने अगर एम्प्लॉयमेंट लेट से अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से चंद दिन पहले ही ज्वाइन किया तो शायद आपको कवरेज ना मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ में कवरेज होता है। तो इसमें मैटरनिटी कवरेज भी होता है, इसमें कॉन्जेनिटल इंटरनल कवरेज भी होता है, किसी तरह की भी एक्सटर्नल इंजरीज कवर होती हैं, कोई भी क्रिटिकल इलनेस जो है वो कॉरपोरेट पॉलिसीज में कवर होती हैं। हाँ, वहाँ पर कैप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज पे आपकी पॉलिसी में कैप लगाओ कि नहीं जी, आपको इस बीमारी पे मान लो 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन उसे बिल अस्पताल में ज़्यादा आता हो तो उस समय शायद आपको अपनी पॉकेट से कुछ पार्ट भरना पड़े। जैसे कई बार कैटरेक्ट के कुछ 30-25 हज़ार के आसपास का ही इंश्योरेंस कवरेज होता है, लेकिन अगर आपने लेंस की क्वालिटी बढ़ा ली और वो बिल आपका 50-60 हज़ार का आ जाता है तो बाकी आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपको कॉरपोरेट पॉलिसीज़ में मोस्ट ऑफ बीमारियाँ डे वन से कवर हो जाती हैं, चाहे आप हों या जो भी आपके डिपेंडेंट उस पॉलिसी में जुड़े हैं, आपके माता पिता या आपके इन-लॉज और आपके बच्चे और आपकी फैमिली। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की। इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में कवरेज का दायरा थोड़ा सा सिमटा होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो दायरा बढ़ता जाता है। यानी कि आपको इंडिविजुअल पॉलिसीज़ को रन करना होता है कुछ दिनों तक उसके बेनिफिट्स लेने के लिए। तो बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी ही इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इंडिविजुअल, उसमें आपका वेटिंग पीरियड होता है कुछ इलनेसेस को लेके। हाँ, एक्सीडेंटल कवर जो है वो आपको डे वन से शुरू हो जाता है, कहीं कहीं उसमें भी 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। अदरवाइज एक्यूट इलनेसेस कवर हो जाती हैं, जैसे आपको फीवर हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, या जैसे अभी कोरोना का पीरियड है, या टाइफाइड हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें आपका, या जैसे ऊपर वाला ना करे अभी डेंगू का सीज़न आ रहा है, तो ये आपके पॉलिसीज़ के कवरेज हो जाते हैं। जनरली आपके 30 डेज़ के बाद मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इन्होंने कुछ क्लॉज लगा रखे हैं कि उसमें वेटिंग पीरियड लगेगा आपकी पॉलिसी पर। जैसे नाक कान गले की बीमारियों का जनरली 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। यानी कि अगर आपने या आपके बच्चे को टॉन्सिल्स हो जाते हैं और आप टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराने चले गए अपनी पॉलिसी के 6 महीने बाद ही, तो हो सकता है आपको उसमें कवरेज ना मिले। तो इसलिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें क्लोज हो सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल के बाद ही टॉन्सिलाइटिस का कवरेज मिलेगा। दूसरा, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ में स्टोन्स का भी जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल तक का होता है। तो किसी को अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है या किसी को किडनी स्टोन है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड पहले पूरा करना पड़े, तब आपको कवरेज मिलेगा।
ऐसे ही जैसे घुटने के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है बूढ़े लोगों में, जिसको घुटना प्रत्यारोपण या TKR कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो वो जनरली 4 साल के बाद कवर होता है। तो आपको ये पॉलिसी रन करनी होती है एक पीरियड के बाद, और कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी जब आप 5 साल रन कर लेते हैं तो प्लीज़ उसको बंद ना करें। नाउ दैट इज़ योर गोल्डन पॉलिसी, प्लेटिनम पॉलिसी, कि सब कुछ कवर है उसमें, तो उसके प्रीमियम भरते रहें, चाहे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही हो। तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में जब आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियों की दिक्कत आती है वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और आपका कवरेज भी बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी जो आपके लाभ की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें सो दैट आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे को पेमेंट्स क्या होते हैं, कैपिंग क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस क्या होती हैं, वहाँ पे भी कई बार डिनाइल्स हो जाते हैं, और सो ऑन। हम अगली वीडियोस में जो इस सीरीज़ की वीडियोस आती रहेंगी हम हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करते रहेंगे। तो इस सीरीज़ को देखना ना भूलें। धन्यवाद।